मंदसौर जिले में पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला भैंसोदा मंडी चौकी पुलिस का है, जहां 2 किलो अफीम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 किलो अफीम की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि इस दौरान भैंसोदा मंडी की पुलिस कस्बा भ्रमण कर संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। उसी बीच जब पुलिस की टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, आरोपी पुलिस वाहन को देखकर अचानक भागने लगा और पुलिस ने उसे घेर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास 2 किलो अफीम जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में बताया कि इंटरसिटी ट्रेन से अफीम करनाल हरियाणा के रहने वाले सरदार को देने जा रहा था। पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर उसे हरियाणा रवाना कर दिया। वहीं आरोपी करनाल हरियाणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। विगत रात्रि को श्रीमान वीवीआईपी महोदय जो उज्जैन भ्रमण है उनका, उसके लिए संदिग्धों की चेकिंग अभी चल रही है सभी दूर। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पुलिस चौकी भैंसोदा मंडी की टीम भी संदिग्धों की चेकिंग और कस्बा भ्रमण कर रही थी। उसी दौरान पुलिस की टीम भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पहुंची, संदिग्धों की चेकिंग करते हुए एक आदमी अचानक वहां से भागने लगा। भागने पर पुलिस टीम को शक हुआ कि इसके पास कुछ अवैध चीज़ हो सकती है, तो उसको घेराबंदी करके पकड़ा। और जब उससे पकड़ा तो उसने अपना नाम गोविंद पिता लक्ष्मण लुहार बताया, जो कि सरकन्या गाँव जिला झालावाड़ का रहने वाला है। और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास जो बैग था, कंधे पर टंगा हुआ एक बैग था, उस बैग के अंदर एक स्कीम बनी हुई थी। मतलब कपड़े निकालने के बाद भी उस बैग में हमें कहीं अफीम नहीं मिली थी। तो डीएस डामोर हमारे सहूनी हैं, उनके द्वारा अच्छे से तलाशी ली गई और उस बैग में जो अलग से एक पार्ट बनाया गया था उसमें से 2 किलो अफीम जब्त की गई है।